हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज का मौसम बेहद ही शानदार है, बारिश वाला है, मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है ना। अब आपके यहाँ किस समय देख रहे हो पता नहीं क्या है, धूप है कि छाव है कि रात है कि कुछ भी हो, हैव अ नाइस डे या नाइट, ठीक है। तो अब हम पढ़ाई करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगला लेक्चर, ठीक है ना। 10-12 लेक्चर हमने समाप्त कर लिए बहुत ही आसानी से, और आज हम अगला आपको बताने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड होगा बच्चों आपके क्लास 10th से। अरे वाह, क्लास 10th से रिलेटेड तो होगा, जैसे आपने देखा था ना, चलो ये बात करते हैं उस पर। फिलहाल हमारे चैनल का नाम आपको पता है, संस्कार एकेडमी रिठुआ खोर, जो कि हमारे स्कूल का ही नेम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सारे पिछले लेक्चर को देख करके यहाँ पे इस वाले वीडियो को देखने के लिए बैठे होंगे, और सारे जो हमने पीछे होमवर्क दे रखे हैं आप उसको करे होंगे। करते हो कि नहीं करते हो तो राम जाने, ठीक है ना, वो तो मैं नहीं जा बता सकता, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि आप हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो भेजते नहीं हैं और कई ऐसे जो भेज देते हैं, तो उनकी गलतियां हम सुधार देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जो थोड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आप मैसेज ज़रूर करा करो कि हाँ हमने ये करा सर, देख लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, बात ज़्यादा करेंगे तो कहोगे सर पका रहे हो, इधर आ जाओ पढ़ाओ कुछ। तो आज की हमारी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन, हिंदी इसकी होती है संधारित्रों का संयोजन। आप सही से देख पा रहे हो, इसके लिए हमको कैमरा चेक करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का संयोजन। तो अगर मैं आपको याद दिलाया दूं, तो आपने पढ़ा था क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन, और वही बात हम यहाँ से थोड़ी उल्टी करने जा रहे हैं, संधारित्रों का संयोजन। वहाँ से थोड़ा सा उल्टा पाओगे, बाकी सब कुछ मेथड वही है, ठीक है ना, फार्मूले में थोड़ा उल्टा पाओगे। तो आपको यह पता भी चल गया होगा कि संयोजन जो होता है एक सीरीज होवेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सॉरी मिक्स बाद में करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी क्या होती है सर, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। संयोजन सीखना है और आगे इसमें तमाम बातें सीखेंगे, तो आप हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कहीं भी आपसे हमारी दरख्वास्त है कि कहीं भी वीडियो को भगाने का काम मत करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हम लोग क्वेश्चन के बीच बीच में बताते हैं, ठीक है ना। तो ये दो होता है बस, चलिए शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी मिक्सड पढ़ा जाएगा, इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे बोर्ड को हम लोग मारेंगे एकदम आज ही, सब हलवा हो जाएगा। हलवा क्या होता है, आसान आसान, तुम्हारे बगल में बैठा भाई सोचता हलवा खिलाएगा तुम्हारा सर, हलवा थोड़ी खिलाएंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम यहाँ पे हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, हेडिंग पड़ गई, अपना नोट्स बनाते रहना आप लोग, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे बताते रहना आप लोग। देखो जहाँ समझ में आए वहाँ पे पढ़ना चाहिए, जहाँ मजा आए वहाँ पढ़ो, ठीक है ना। मैंने कभी आपसे प्रेशर नहीं डाला कि मेरा ही पढ़ो, लेकिन जहाँ समझ में आए वहाँ पे पढ़ो, और यहाँ इतना गारंटी लेते हैं कि इससे आसान मुश्किल है पाना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है,
तो अगर आपको रजिस्टर का याद दिलाऊं तो ऐसे रजिस्टर हुआ करता था, एक सिरे से इसका इसके दूसरे सिरे से अगले वाले का पहला सिरा, इसके दूसरे से इसका पहला सिरा, ऐसे लगा होता था नहीं। सेम वही काम यहाँ भी है। कैपेसिटर, हालांकि हमको यहाँ पे रजिस्टर को नहीं ऐड करना है, कैपेसिटर को ऐड करना है। कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, थोड़ा सा कर होता है खड़ी लाइन, या दोनों खड़ी लाइन, या तो थोड़ा सा कर बैठो कर दो, बस ये होता है साइन कैपेसिटर का। दोनों सही है, चलो आ जाओ बनाते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। यही श्रेणी क्रम है कि एक के दूसरे सिरे से दूसरे का पहला सिरा, फिर दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला सिरा, ऐसी श्रेणी क्रम इसी को बोलते हैं। यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने कोई तीन कैपेसिटर लेके रखा, ठीक है, हमने कोई तीन कैपेसिटर लेके रखा, इनको श्रेणी क्रम में हमने ऐड कर दिया। टाइम ज़्यादा हो जा रहा है ना, जल्दी थोड़ा चलिए। इनको ऐड कर दिया सीरीज में। अब मैंने बोला इनको आप किसी बैटरी या सेल से ऐड कर दो, तभी तो काम करोगे। किसी बैटरी सेल से ऐड कर दिया, आई बात समझ में ना आपको? चलो कोई बात नहीं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि यहाँ पे जीरो यहाँ पे V, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो यहाँ पे V, सपोज कि दोनों बराबर हो गया, तब जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना तेज आप करंट यहाँ पे पाओगे, उतनी एनर्जी पाओगे। तो यहाँ पे होता है ए पूरा चार्ज है, वी यहाँ पे जीरो यहाँ पे, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टर्मिनल है ना, ए प्लस का टर्मिनल है और ए माइनस का टर्मिनल है। चलो चार्ज आया, बैटरी चालू हुई, यहाँ पे क्यू चार्ज मान लो बैठा। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज बैठेगा तो यहाँ पे कितना होएगा, समझ सकते हो, हमने पीछे बताया है माइनस क्यू होगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे कितना होगा सोचो, बस सोचो यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे कितना फिर माइनस क्यू, फिर यहाँ पे कितना प्लस क्यू, फिर यहाँ पे कितना माइनस क्यू। अब कई लोगों के जहन में बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ रही होगी, कह रहे कैसे कर दिया। चलो देखो यहाँ पे अरे बैटरी चार्ज करोगे तो, अरे सॉरी बैटरी जो ऐड करोगे कनेक्ट करोगे तो चार्ज तो चलेगा ना आखिर, आई बात समझ में ना आपके? तो अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे ए लो एक पकड़ लो कोई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए वी है, यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे धारा ऐसे बहेगी ऐसे, और चार्ज क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ आके बैठे बैठे, जितना यहाँ निकला इलेक्ट्रॉन वहाँ इतना आके बैठा, तो यहाँ उतना पॉजिटिव बना, यहाँ उतना नेगेटिव बना, उतना ही तो बनेगा। इसी प्रकार यहाँ तीन पे कर दिया हमने, इसी प्रकार हमने यहाँ तीन लोगों पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना। यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों। अब इन दोनों को सोचो, इन दोनों को सोचो, आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना शुरुआत में उतना अंत में। अच्छा तो शुरुआत में यहाँ पे कितना चार्ज था, शुरुआत में इस वाले पोर्शन में कितना चार्ज था, जीरो चार्ज था, अभी कितना है प्लस क्यू माइनस क्यू, अभी जीरो चार्ज, समझे ना बात को हमारे। तो इसी प्रकार ये बन गया हमारा चार्ज, उसी प्रकार हमने यहाँ पे किया ये बार इस वाले में, यहाँ जब प्लस क्यू बैठा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस क्यू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। तो इसको आप समझ गए हो भली भांति, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या देख रहे हो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखता हूँ, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या देख रहे हो, जो कि मतलब कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताओ कितना है। तो कहोगे सर सब पे जीरो है, ना ना ना, केवल प्लस वाला बोलते हैं ना, सब पे प्लस क्यू चार्ज, चार्ज ऑन द इच कैपेसिटर लिख लो ऐसे, सब पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। चलो कुछ बात तब है। अब यहां पर हमने कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होता है। बहुत मजा आया,
सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होता है। अच्छी बात, अगर चार्ज इक्वल सब में है तो आप वहां पे समझ सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो सकता है, मे बी उसके परसेंटेज ज्यादा है बनने के। और यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी जो कैपेसिटर होंगे उस पर अगर हर पे चार्ज इक्वल होगा हर एक कैपेसिटर पर, तो आप बोलोगे कि हाँ वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। चलो अच्छा एक बात जरा बताया जाए, हम लोग यहां पे पढ़ा जाए कि मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 हो, इसका C2 हो, इसका C3 हो, आई बात समझ में? तो आपने पढ़ा है C=Q/V, पढ़ा है ना? चलो कोई बात नहीं, बस फील करो। अच्छा तो यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ चलेगा, यहाँ बताओ कितना पोटेंशियल होगा V, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी कितना होगा 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जरा, ए वी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे एक लोग कुछ खाएंगे, इसका वी यानी कि वी क्या हो रहा है, वी बंट रहा है, यहाँ पे वी है, यहाँ से चला तीन लोगों में वी क्या हो गया, बट टोटल वी था और यहाँ पे हो गया पहला वाले को V1 में विभवांतर हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया, क्योंकि समझो बात को, ए यहाँ चलेगा तो कुछ ले लेंगे, कुछ विभवांतर ले लेंगे, फिर कुछ यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कुछ ले लेंगे और जो बचेगा ये ले लेगा। तो आप कह सकते हो V=V1+V2+V3, समझ गया ना हमारी बात को? अब चलिए कोई बात नहीं, V=V1+V2+V3 हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, ये समझ गया ना, इसको भी नोट कर लो अपनी नोट्स पे, ठीक है। अच्छा बताओ C1 बराबर क्या होगा, C1 बराबर तो कहोगे सर Q/V1 होगा, C2 बराबर क्या होगा, कहोगे सर Q/V2 होगा, C3 बराबर क्या होगा, कहोगे सर Q/V3 होगा, होगा ना? चलो यहाँ पे आ जाओ, हमने कहा C1:C2:C3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर Q1 कहाँ Q है, सब पे चार्ज सेम है ना, V2:Q/V3, तो आप पाओगे C1:C2:C3=1/V1=1/V2=1/V3, यह एक हमको संबंध मिलने लगा, ठीक है। यह अभी हो गया कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो कैपेसिटेंस का जो अनुपात होता है वह इनका इनके अनुपात यानी कि विभवांतर के अनुपात का रेसिप्रोकल यानी कि विभवांतर के रेसिप्रोकल के अनुपात के बराबर होता है। चलो ठीक है। अच्छा बताओ जरा, आपने पढ़ा V=V1+V2+V3, यही आके बंटा है, V सब में बंट गया, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सूत्र बनाने जा रहे हैं हम लोग ना, हमको फार्मूला चाहिए और फार्मूले पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तीनों को मिलाओगे आप ऐसे मिल जाएंगे तीनों, और ये बैटरी का पोटेंशियल भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे कितना चार्ज बैठेगा, तो कहोगे सर क्यों चार्ज बैठेगा, यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ पे कितना माइनस क्यों, समझ रहे हो ना। अब इसको देख के क्यों 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 तीन क्यों ना कर देना, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ से जो चार्ज यहाँ पे बैठेगा क्यों, और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे उतना क्या बैठेगा माइनस का, ये हो गया हमारा इसका इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे थोड़ा और जगह देते हैं इनको, थोड़ा सा पट्टी बनाते हैं, इसी में लगाएंगे हम लोग। अच्छा बताओ जरा, यहाँ का कैपेसिटेंस हो जाएगा तब सी हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा, इक्विवेलेंट यही तो होगा। अरे भाई तीनों को मिलाया, इनको एक के मिला के रख दिया, तो यहाँ पे पोटे, अरे चार्ज प्लस का क्यों, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का क्यों हो जाएगा, बस यहाँ से बैटरी चालू कनेक्ट कराया मैंने, चार इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे बैठे, यहाँ उतना बैठा, ठीक है। तो अब V बराबर देखो यहाँ पे, अब समझना हमारी बात को, तो यहाँ से जो V बराबर हो जाएगा Q/C हो जाएगा,
आई बात समझ में, टोटल भी है तो टोटल भी यहाँ पे वैसे भी रख सकते थे आप क्यू बाई सी और वी वन का मान क्यू बाई सी वन, वी टू का मान क्यू बाई सी टू, वी थ्री का मान क्यू बाई सी थ्री, क्यू सब में कॉमन है, वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स का फार्मूला। इक्विवेलेंट जो आएगा आपका कैपेसिटेंस 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है, इतना आसान कहाँ मिलने वाला है। तो आपने प्रूव कर लिया, करना क्या है, मैंने कहा हमारे पास तीन कैपेसिटर थे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पड़े थे, बैटरी से जोड़ा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी था, एक का कैपेसिटेंस C1, एक का C2, एक का C3, हुआ ना, कैपेसिटेंस ही बराबर हो सकता है, समझिएगा हमारी बात को, कैपेसिटेंस भी बराबर हो सकता है जब पोटेंशियल बराबर है, कैपेसिटेंस तीनों का बराबर हो सकता है, मे बी, कब, जब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो उसके लिए देखा जाएगा क्या होता है। अभी आप यही समझ रहे हो कि इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, यहाँ से V वोल्टेज चला, यहाँ पे V1 मिला, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, अपने अपने लायक ले लिए सब लोग। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल V जो हो गया V1, V2, V3 बंट गया, और हमने क्या करा, V टोटल का मान रख दिया Q by C, टोटल का V टोटल है ना, तो टोटल V का मान Q by C is equal to V1 का मान Q by C1, Q by C2, Q by C3, 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2 plus 1 by C3। ये हो गया हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लो, फैक्ट्स जान लो आप, कि 1 by C, जो 1 by C है ये बड़ा होगा 1 by C1 से, बड़ा होगा 1 by C2 से, 1 by C3 से, जो यह है इन तीनों से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि कहोगे सर 12 बराबर 4 धन 5 धन 3, कहोगे ना, तो 12 बड़ा है, 4 से भी 12 बड़ा है, 5 से भी 12 बड़ा है, 3 से भी, इसलिए कह दिया, ठीक है ना। और एक बात और जान लो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ C की वैलेंट या छोटा होगा C1 से भी, C की वैलेंट या छोटा होगा C2 से भी, C की वैलेंट या छोटा होगा C3 से भी, अब उल्टा हो गया ना, यानी कि यहाँ पे एक तथ्य लिखना आप, यहाँ पे नोट करना, क्या नोट करोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वह अपने सभी धारिताओं से कम होती है, अपने सभी धारिताओं से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दिया ना हमने, उल्टा करे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सबसे क्या होती है, कम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मान लो यह 4 का है या 5 माइक्रो फैरेड का है और यह मान लो 6 माइक्रो फैरेड का है, तो जब इनका आप निकालोगे क्या, जब आप इनका निकालोगे कैपेसिटेंस टोटल ना, तो इनसे भी कम आएगा, यानी कि सबसे कम आएगा, 4 से भी कम, यानी कि जो सबसे कम 4 वाला है इससे भी कम आएगा हमारा आंसर। तो ये सब छोटी छोटी बातें फैक्ट हमारा नोट कर लीजिएगा, ये अभी नोट कर लेना कि अगर चार्ज सब पे कैप, मतलब कि सारे कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल है तो सीरीज में है, और अगर मान लो कि V1, V2, V3 आपस में बराबर हो गए तो दैट टाइम सबका कैपेसिटेंस भी बराबर हो जाएगा, लेकिन वो बराबर हो या हमेशा के लिए नहीं कह सकते। और यहाँ पे जरूर लिखना 1 by C जो होगा 1 by C1 से बड़ा होगा, 1 by C2 से बड़ा होगा, 1 by C3 से बड़ा होगा, और यह भी लिखना कि टोटल जो पोटेंशियल, अरे टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वह इनसे भी छोटा होगा, यानी कि जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा। तो आप इनको नोट कर लो, हमारे डी आई शीर्षाट ले सकते हो, पुश कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और मिटाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए, चलो आपको दिखाऊं थोड़ा कैलकुलेशन मजेदार। अब हम दिखाते हैं आपको, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में विभवांतर बढ़ता है, विभव बढ़ जाता है, यह भी जान लो। अब आपको फैक्ट में अगला फैक्ट बता दूं कि मान लो कोई दो ही कैपेसिटर सीरीज में है, तो आप कहोगे सर 1 by C, ये मान लो C1 है 1 by C2 है, 1 by C1 plus 1 by C2, तो 1 by C इक्विवेलेंट है टोटल का,
एक कहोगे सी वन प्लस सी टू बाई सी वन इंटू सी टू, यानी कि सी बराबर दोनों पक्षों को उल्टा करने पर सी वन इंटू सी टू अपान सी वन प्लस सी टू। तो अगर दो के लिए आएगा सीरीज में तो आप तुरंत कहना कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। मजा आ गया। तो अगर दो लोग आएंगे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीधे बोलना कि सी इज इक्वल टू सी वन इंटू सी टू अपान सी वन प्लस सी टू। नोट कर लो, ए फार टू कैपेसिटर, फार टू कैपेसिटर। अगला बता दूं तीसरा, अगर मान लो सीरीज क्रम में इनका भी कैपेसिटेंस सी है इनका भी सी है तब इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखो जरा, कहोगे वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी प्लस वन बाई सी। आप कहोगे वन बाई सी इज इक्वल टू टू सी अपान सी स्क्वायर कैंसिल कैन सी बाई टू, आएगा ना? दो के लिए सी बाई टू। अगर मान लो तीन लोग आ गए तीनों का कैपेसिटेंस बराबर है तो जो इक्विवेलेंट आएगा सी बाई थ्री आएगा। चार लोग आ गए चारों का बराबर तो सी बाई फोर आ जाएगा। पांच लोग हैं पांचों बराबर हैं तो सी बाई फाइव आ जाएगा। ऐसे एन लोग हैं तो क्या हो जाएगा? सी बाई एन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना? अगर एन कैपेसिटर आपस में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और सभी के कैपेसिटेंस बराबर चल रहे हैं तो दैट टाइम आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट आएगा या सी? सी कोई भी ले सकते हो, सब बराबर ही तो है। मान लो पाँच है तो पाँच बटे एन कर देंगे और क्या। अब सबको जोड़ने मत लगना वहाँ पर, ये तो अच्छा मजा आएगा, ठीक है? आ जाओ सवाल कर लेते छोटा सा। मान लो यह चार माइक्रो फैरेड का है, यह चार माइक्रो फैरेड का है तो बताना है इक्विवेलेंट सी कितना होगा। तो बोलोगे चार बटे दो, क्योंकि बराबर है ना, तो हो जाएगा दो माइक्रो फैरेड। छोटा भी आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं ना? तो जो भी हमने नोट्स आपको लिखाए हैं अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी जरूर बताइएगा। छोटा छोटा बात था। और आपको रजिस्टर में याद दिला दूँ, रजिस्टर में जब श्रेणी क्रम में जुड़ता था तो इक्विवेलेंट जो आर निकलता था वह आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री निकलता था, नहीं? लेकिन यहाँ पे बटे में चल रहा है। तो आप यहाँ पे हमारी बात को समझ पा रहे हो? हम उम्मीद करते हैं आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, लेकिन तब तक चलते हैं दूसरे वाले पर। ए पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? सेकेंड हमारा है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि अब संधारित्रों को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो आपको पता होगा, आपको याद दिलाया दे हूँ कि जब आपके रजिस्टर को जोड़ते थे तो ऐसे 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 जोड़ते थे ना, यही समांतर था। यानी कि इधर वाला जो टर्मिनल का तार था एक पास ऐंठते थे और इधर वाले का एक पास, बस हो गया। तो उसमें ज़्यादा चर्चा करना हम नहीं समझते कि क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट को बैठ के कहानी सुनाया जाए तो हम अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा। चलो आ जाओ, कैपेसिटर को ऐड करते हैं किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मजा है, एकदम बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है? चलियो यहाँ पे आते हैं, बरसात हो रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसको जोड़ दिया ऐसे ऐसे, बैटरी है, बैटरी या सेल है। अब सेल को जानते हो ना, ऐसे जोड़ते हैं, कई होता है तो ऐसे जोड़ते हैं इसे सेल को, ठीक है ना? सेल मतलब कई होता है, यहाँ पे एक ही सेल या एक ही बैटरी है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है तो यहाँ पे V, यहाँ पे जीरो, तभी तो डिफरेंस बनेगा V का। पोटेंशियल V है बैटरी का, यहाँ पे V, यहाँ पे जीरो। ओके, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। पिछले वाले में सीरीज में क्या था? चार्ज सेम था। अब देखो जरा, यहाँ से V चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ पे V आ गया। यहाँ से जीरो चलना शुरू किया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब बताओ इस वाले कैपेसिटर पे, बताओ कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V जीरो, V है ना? इस वाले का बताओ कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? V जीरो, यहां भी कितना है? V हो गया। इस वाले का बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V जीरो, यहां भी कितना हो गया? V हो गया। अरे वाह, एक बात हमको मिल गई कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
पोटेंशियल ऑफ या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर आर इक्वल, उसमें क्या था चार्ज इक्वल था और यहां पे क्या हो गया पोटेंशियल। आप अच्छे से अगर देख पा रहे हो तो हाँ अच्छे से देख पा रहे हो, थोड़ा इंग्लिश लिख रहे हैं, समझ में आपको आ रहा, बोल रहा हूं ना मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। अब की बार क्या बटेगा, बटने वाला तो कुछ है ही, चलो कोई बात नहीं। यहां से क्यू चार्ज हुआ, यहां तक क्यू चार्ज पहुंचा, मान लो क्यू चार्ज निकला, क्यू चार्ज यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्यू ये तीनों लोगों में जाना है ना, चार्ज ये तीनों लोगों में जाएगा। अब करंट वाला मैटर है, एक क्यू निकला, अब एक क्यू यहां पे क्यू पहुंच, क्यू वन पहुंचेगा यहां पे, क्यू टू पहुंचेगा यहां पे, क्यू थ्री पहुंचेगा, बस काम खत्म हो गया। अब कहोगे क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, नहीं टोटल क्यू जो हो गया क्यू वन क्यू टू, अब क्यू बंट गया और क्या। पिछली बार हमने कहा कि विभवांतर प्लेट पर सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यहां भी मान, यहां भी हो सकता है कि चार्ज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो चार्ज है ना, चार्ज वो प्रत्येक प्लेट पर सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए खैर, अब आइए यहां पे, आपको फार्मूला पता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि क्यू बराबर सी वी, यही होता है ना। अभी हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्यू वन इज टू क्यू टू इज टू क्यू थ्री, तो चलो यहां से क्यू वन का मान निकाल लो, क्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी से सी वन वी, क्यू टू का मान क्या हो जाएगा सी टू वी, क्यू थ्री का मान क्या हो जाएगा सी थ्री वी, ठीक है। तो यहां पे क्या पा जाओगे, सी वन वी इज टू सी टू वी इज टू सी थ्री वी, वी भी तो सब में कॉमन है हट जाएगा, क्यू वन इज टू रेशियो है, ध्यान देना रेशियो में होता है, सी वन इज टू सी टू इज टू सी थ्री, यानी कि जो चार्जों का प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज है जो उनका अनुपात आ रहा रेशियो आ रहा है उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इसका बनाते हैं इक्विवेलेंट, बना लेते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इनको एक ही में जोड़ देंगे, एक ही में जोड़ देंगे, ये ऐसे V हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V का हो गया, और यहां पे आप क्या बोलने वाले हो कि इसका जो Q है चार्ज टोटल और C1 कैपेसिटेंस है, तो आप बोलोगे Q बराबर C1V, इतना चार्ज है टोटल, C1 नहीं मानोगे, C1 हो चुका है, टोटल कैपेसिटेंस ही है, तीनों को मिलाया, मैंने कहा तीनों का टोटल कैपेसिटेंस ही है, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, चार्ज क्यों हो गया प्लस क्यों माइनस क्यों, ये माइनस क्यों। तो आप कहोगे यहां से समीकरण नंबर एक मान लो, तो कहोगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से Q का मान CV, इक्विवेलेंट है ध्यान देना, इक्विवेलेंट की मान है पूरे का, बराबर Q1 का मान C1V, C2V, C3V, VV कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टोटल एडिशन ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है कैपेसिटेंस धारिता का मान वह क्या होगा, सबके अलग अलग योगफल के बराबर होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, तो प्रूफ तो हो गया, करना क्या था, कुछ नहीं करना था। देखो वहां पे हमारा विभवांतर बंट रहा था, यहां पे चार्ज बंट रहा है, फार्मूला रखा तुरंत उत्तर आ गया, और यहां पे जो सी है ना, जो सी है यह बड़ा होगा सी वन से, जो सी है बड़ा होगा सी टू से, जो सी बड़ा होगा सी थ्री से, सबसे बड़ा होगा, नहीं बस इतना ही तो था। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है कैपेसिटर्स को,
तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो तीनों से बड़ा आएगा, और सीरीज में क्या था, छोटे वाले से भी छोटा आता था इक्विवेलेंट, और यहाँ पे सबसे बड़ा। मान लो यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 3 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 4 माइक्रोफेरेड, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 4 = 9 माइक्रोफेरेड, सबसे बड़ा नहीं आ गया। तो बात आपकी समझ में आ गई ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको मिटाने का काम करें, करना क्या है, बस प्रूफ तो हो गया। बोर्ड में ही पूछता है कि मतलब कि समांतर क्रम संयोजन में कैपेसिटर को जोड़ के फार्मूला को प्रूफ करो या श्रेणी क्रम में प्रूफ करो, जो बीच बातें हैं लिख दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो हो गया, बस यही तो करना था। तो ये देखो जरा, अगर आप रजिस्टर से इनका फोटोकॉपी, मतलब कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दिया लेकिन ले सकते हो रुक रुक के। तो जानते हो कि जब हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो ऐसा होता था कि जो रजिस्टेंस आता था वह श्रेणी क्रम में अलग अलग जोड़ना पड़ता था, समांतर क्रम में बटे वाला आता था, और यहाँ पे वही उल्टा चल रहा है, उल्टा पुल्टा सुल्टा हो गया। सर जी अब तो दिमाग नहीं काम करेगा, अरे करेगा यार, कहाँ करेगा नहीं। तो कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं, प्रूफ तो हो ही गया, कुछ फैक्ट्स नोट कर लो। जैसे कि पहला जो सी आएगा वो सबसे बड़ा होगा, चाहे सी वन हो, चाहे सी टू हो, चाहे सी थ्री हो, और उस वाले में क्या था, सबसे छोटा था। अब ये दूसरा फैक्ट लिख लो कि भार टू कैपेसिटर, अगर समांतर क्रम में अगर दो ही लोग लगे हुए हैं तो ऐसे जोड़ोगे, ऐसे ए मान लो C1 C2, तो आप बोलोगे C बराबर, यहां पे तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। नहीं, अगर मान लो दोनों बराबर हो गए, अगर मान लो बोथ आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, C बराबर C+C, जो C इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि 2C। अगर 3 लोग हो गए तो 3C, 4 लोग हैं तो 4C, 5 लोग तो 5C, 6 लोग तो 6C, n लोग तो n C। तो अगर समांतर क्रम में n कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो दैट टाइम टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, n C। जैसे कि मान लो ये समांतर क्रम में ये है, मान लो 2 लोग लगे हुए हैं, ये अभी 4 माइक्रोफेरेड का है, ये अभी 4 माइक्रोफेरेड का है, तो 2 लोग हैं तो 2 × 4 यही हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, 8 माइक्रोफेरेड। तो ये तो हो गया, खत्म हो गया बच्चों, अब तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। सारी बातें आपको समझ में आ गई ना, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। समांतर क्रम में चार्ज बढ़ता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है। श्रेणी क्रम में सब पे चार्ज इक्वल होता है, समांतर क्रम में सब पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। ये सब बातें नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल पे, इसके बेस पे फिर आपको होमवर्क देंगे, फिर उसके बाद एक बनाएंगे अगला वाला, कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कानून, और कुछ बेहतर बेहतर न्यूमेरिकल। तो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा नोट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, हमने एक बनाया है डायग्राम, कैपेसिटर को जोड़ के, यह 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का है, इधर प्लस इधर माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, इधर 0। कह रहा है टोटल कैपेसिटेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ विभवांतर प्रत्येक कैपेसिटर पे, और ये बोल रहा है चार्ज ऑन इट्स कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर पर चार्ज है उसको बताना है, और एनर्जी इन 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यानी कि 6 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर उस पर एनर्जी कितनी है। कोई बात नहीं, चलिए सॉल्यूशन सी पूछ रहा है, दुइये लोग हैं, रुकिए थोड़ा पानी पी लें। तो यहां पे आप देख क्या पा रहे हो, यहां पे दो ही लोग हैं तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल 6 / 3, और ये 6 + 3,
हो जाएगा 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफ़ारड। आ गया पहले वाले का आंसर, आपकी मर्जी, ये तो आसान सा था, तो जो दौड़ के लिए तो दोनों का उड़ा बटे दोनों का जोड़। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटर पूछ रहा है, तो उसके पहले हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमने पढ़ा है कि C बराबर Q बाई V होता है और V बराबर क्या होता है Q बाई C, और ये मान लो C1 है और ये मान लो C2 का, तो है ही हमारे पास कैपेसिटर तो हमारे पास है बट चार्ज नहीं पता है। और तीसरा वाला क्वेश्चन है चार्ज ऑन इज कैपेसिटर, चार्ज बताओ, तो पहले तीसरे को कर लेते हैं क्योंकि चार्ज इनको करने के लिए चार्ज चाहिए। अच्छा चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, यही होता है ना। और आप ये भी जानते हो कि अगर हमारा जो क्या बोलते हैं जो एक क्रम है अगर श्रेणी क्रम में है तो सब पे चार्ज बराबर होगा, सब पे चार्ज बराबर होगा। इनका जब इक्विवेलेंट बनाओगे ना, इक्विवेलेंट बना लो, तो ये तो है 30 वोल्ट की बैटरी हमारे पास और ये कितना निकाले हो 2 माइक्रोफ़ारड का बन के आया है, इनको जोड़ा मैंने तो इतना आया है ना। तो आप कहोगे सर Q बराबर क्या सी वी होता है, यहाँ से तो V का मान 30 और C का मान 60 माइक्रो कूलाम, माइक्रोम चल रहा है ना, यानी कि 60 माइक्रो कूलाम है टोटल चार्ज, यहाँ भी 60 माइक्रो कूलाम का चार्ज बैठा और यहाँ भी बैठेगा 60 माइक्रो कूलाम का, प्लस वाला माइनस से माइनस 60 बैठेगा, हालांकि हमसे उसे कोई मतलब है ही नहीं। तो देखो जरा चार्ज तो निकल गया, चार्ज आने से कैपेसिटर, तो यहाँ पे रखा मैंने तो 60 माइक्रो कूलाम, अभी आंसर आ गया तीसरे वाले का। चौथा आ जाओ, अरे दूसरा पे आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये मान लो V1 है और ये V2, यही तो बढ़ता है ना, तीस वाला बटेगा जा करके, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाओ Q बाई C1 और V2 का मान क्या आ जाएगा Q बाई C2, Q का मान 60 माइक्रो कूलाम और C1 का मान कितना है 6 माइक्रो फराड, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो माइक्रो कट गया कूलाम पर फराड, यानी कि इसका मतलब बोल्ट होता है, 10 बोल्ट का विभवांतर बना, 30 बोल्ट था यहां 10 चला गया, यहां कितना चला जाएगा 20 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, अगर नहीं उम्मीद करते हो तो यहां पे आ जाओ ना, V2 का मान निकाल लो, Q का मान कितना है 60 माइक्रो कूलाम और C2 का मान 30 माइक्रो फराड, एक कट गया यानी कि 20 बोल्ट, चाहे जोड़ घटा लो चाहे तुरंत लगाओ तुम्हारी मर्जी यार, 30 है तो बंटेगा 10 यहाँ 20 यहाँ जाएगा और क्या। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब कह रहा एनर्जी इन 6 माइक्रो फराड कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, कोई बात नहीं, एनर्जी यू का मान हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि हमको सी और वी पता है, C का मान इसे कितना है 6 माइक्रो फराड और V का मान कितना है इसके 10 गुणे 10, दो पंजे 10, 10 पचे 50, छक्का 300 माइक्रो जूल, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, समझ गया, बस इतना इसे तो करना था, इसी पे आपको होमवर्क देने वाले हैं, वीडियो को भगाना मत, एक और लगवा दूं उस पे क्या बोलते हैं समांतर क्रम पे, तब आप होमवर्क लेना तब करना, ठीक है ना, इसको मिटाना समझ में तो आप क्या गया होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस टाइप का डायग्राम है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 30 वोल्ट की बैटरी के साथ, हमने कहा आपको बताना है सी का मान बताना है, टोटल इक्विवेलेंट पूछ रहा है यार। देखो सी बराबर हमने पढ़ा, अगर पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ पा रहे हो आप, सी वन प्लस सी टू 6 माइक्रो फराड प्लस 3 माइक्रो फैरड, ये हो जाएगा 9 माइक्रो फैरड, पहला वाला हो गया। दूसरा आ जाओ, चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, ये अच्छी बात है, अच्छा बताओ 30 यहाँ चलेगा तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ 0 यहाँ 0, देखो तार है सब, तार ही तो लगा हुआ है, अगर तार के बीच में कुछ नहीं आता है, यहां पे नोट कर सकते हो आप नोट कि इफ
नॉट एनी एलिमेंट ऑन द वायर दैट टाइम द पोटेंशियल आर सेम ऑन ऑल पॉइंट ऑन द वायर. अगर वायर पे कुछ आता नहीं है ना तो पोटेंशियल उसका चेंज हो भी नहीं करेगा, कभी नहीं होगा. तो यहां चल के फिर यहां पे 30 वोल्ट बैठेगा, यहां पे 0 वोल्ट बैठेगा. यहां का विभवांतर आ गया 30, यहां का विभवांतर आ गया 30, यहां भी 30 विभवांतर, यहां भी 30 विभवांतर. ये तो तीसरा वाला लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इन इच कैपेसिटर, तो सब पे 30 है. वो तो तीसरा लग गया, तीसरा हो गया 30 वोल्ट. आ जाओ चार्ज निकालने के लिए. आप पढ़े हो C बराबर क्यू बाई वी, यानी कि Q बराबर CV. चार्ज तो बटेगा बटेगा, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग. तो 6 माइक्रोफेरेड वाले पर चार्ज अगर निकालने की बात की जाए तो Q बराबर CV से C का मान है 6 माइक्रोफेरेड और V का मान 30 यानी कि 180 माइक्रो कूलाम. इसी प्रकार तीन वाले पर पूछा जाए तो Q बराबर C का मान 3 माइक्रोफेरेड और ये 30 यानी कि 90 माइक्रो कूलम हो गया. पांचवा आ जाओ, एनर्जी चौथा है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर, इस पे कितनी एनर्जी है तो हाफ CV का स्क्वायर. U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, किसी के टर्म में हो सकता है 1/2, सी का मान है 3 माइक्रो फेरेड और वी का मान है 30 × 30, ये कैंसिल 15 आएगा, 45 × 3 = 135 माइक्रो जूल. गुणा भाग अपना मिला लेना, ठीक है ना. ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे कई सारे फार्मूले हमने पढ़ रखे, जिसके टर्म में कहेगा वहाँ पे देख लेंगे. तो आपकी बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए है तो हर जगह समान रहेगा, चार्ज मटेगा, और अगर श्रेणी क्रम है तो आपका पोटेंशियल क्या चार्ज सेम रहेगा, डिफरेंस चेंज हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन हो गया. अब एक हमारा होमवर्क लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पुश करके नोट कर लो. समझ में ना आएगा तो कमेंट करना, आएगा तब भी कमेंट करना. यस सर आ गया, बड़ा समूह बाकी. चलो होमवर्क दूं आपको, अभी अभी मिक्स आएगा, कहीं सीरीज कहीं पैरेलल सब कुछ आएगा, ठीक है ना. उसके लिए एक बेहतर वीडियो बनेगा अगले वीडियो में, इसको देखो तब तक. ये होमवर्क ले लो, वही है सी निकालना है चार्ज ऑन इच कैपेसिटर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इच कैपेसिटर. अब यहाँ पे आपको निकालनी है एनर्जी जो स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड एट इच कैपेसिटर. ये लो क्वेश्चन पहला, बारह वोल्ट की बैटरी है, ए है 3 माइक्रो फेरेड का, ए है 4 माइक्रो फेरेड का, ये 2 माइक्रो फेरेड का. दूसरा ले लो, तीस वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रो फेरेड का, ये 5 माइक्रो फेरेड का, ये 6 माइक्रो फेरेड का. ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप करो अच्छे से, फिर हमारे व्हाट्सएप पे भेजो, देखते हैं कितना पढ़ाई करते हो, ठीक है ना. तब तक के लिए आप खुश रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो और क्वेश्चन को लगाते रहो, नहीं आया तो बताते रहो. ऑल द बेस्ट.